हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं कल अपलोड करना चाहती थी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। ये तिलगुड़ के लड्डू की रेसिपी है जो बिल्कुल ही परफेक्ट होगी, जिसमें ना तो ये बहुत ज्यादा सख्त होंगे कि चबाए ना जाए, ना ही ज्यादा मीठे। बिल्कुल ही सही और परफेक्ट तरीका तिलगुड़ के लड्डू बनाने का आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी मम्मी का वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय बाय। जो क्वांटिटी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। जितना भी आप गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आधा किलो गुड़ डाल रहे हैं, तो जो बाकी चीजें, जो बाकी मटेरियल है वो उससे डबल होना चाहिए, यानी कि एक किलो। यहाँ पे मैं आधा किलो गुड़ का इस्तेमाल करूंगी, आधा किलो तिल का इस्तेमाल करूंगी और पाव पाव किलो मैं यूज कर रही हूँ ये ग्रेटेड कोकोनट और साथ में सिंगदाना। अगर आप कोकोनट नहीं डाल रहे हैं, खोबरा बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से सिंगदाना और तिल की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। यानी कि जितना भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो डबल होना चाहिए गुड़ की क्वांटिटी से। तो यहाँ पे मेरा मटेरियल है पूरा एक किलो और जो हमारा गुड़ है वो है आधा किलो। इन दोनों चीजों को अच्छे से भून लेना है आपको। सिंगदाना और सूखा खोबरा दोनों को मैंने भून लिया है। भूनने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी मोटे तले वाली कढ़ाई में या पैन में आपको उसे भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। जब गोल्डन हो जाए आपके सिंगदाने तो मतलब अच्छे तरीके से पक चुके हैं, उसे आप निकाल लीजिए और थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक आपको खोबरा भी भून लेना है। अगर आप खोबरा नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। ये जो तिल है इन्हें भी इसी तरीके से हम भून लेंगे। गरम कढ़ाई है, मीडियम फ्लेम पर आपको इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक, यानी कि इसका कच्चापन निकल जाए तब तक आप इसे भून लीजिए धीरे धीरे से। ये देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गया है तिल का। आपके भी जब तक ऐसा कलर ना आ जाए तब तक आपको इसे भूनने रहना है। और एक और चीज, मोटे तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए जब भी आप कोई भी चीज भून रहे हैं, वरना ये सारी चीजें जल सकती हैं। अब ये भूनकर सारी चीजें बिल्कुल ही रेडी हैं। अब हम गुड़ की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ा सा पैन ले लिया है, पतीला आप ले सकते हैं। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। जैसे घी गर्म हो जाता है इसके अंदर हम डाल देंगे गुड़। अब गुड़ परफेक्ट तरीके से अगर आप नहीं उसकी तार मतलब चाशनी बनाते हैं तो सारी गड़बड़ हो जाती है इन लड्डुओं में। तो मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे अच्छे से बताते रहूंगी। ये जो गुड़ है, स्पेशली चिक्की वाला गुड़ है, अगर आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, किसी भी दुकान में लेने जाते हैं, तो आपको खासकर दुकान वाले को बोलना पड़ेगा कि आपको चिक्की वाला गुड़ चाहिए, क्योंकि उसी गुड़ से ये तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं। एक जो दूसरा गुड़ होता है जो कम चिकना होता है उससे ये लड्डू नहीं बनेंगे, तो आपको चिक्की वाला गुड़ ही लेना है। जब घी गर्म हो जाए तो आप गुड़ डाल दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर उसे पिघलने दीजिए। मैं आपको बताऊंगी आपको कितना पिघलाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिंगदाना डाल दिया है, सिंगदाने को थोड़ा सा पीस लिया है मिक्सर में, यानी कि दरदरा पीसा है मोटा मोटा। अगर आप इसको चाहे तो जो खलबत्ता होता है उससे पीस कर डाल सकते हैं, वैसे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। गुड़ यहाँ पे पिघल रहा है। एक और चीज, सिंगदाना आपको छिलके के साथ नहीं डालना है, उसे मसल कर अच्छी तरीके से उसका जो छिलका है वो उड़ा दीजिए और जो बचा हुआ सिंगदाना है उसे आप खलबत्ते के ऊपर कूट लीजिए या फिर आप उसे मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। देखिए जब गुड़ पिघल जाता है तो पानी के अंदर आपको ये डालकर देखना है। अगर आप इसे टच करते हैं तो ये बिल्कुल सॉलिड हो जाना चाहिए, यानी कि पिघलना नहीं चाहिए पानी में। जब इस तरीके से गुड़ आपका बन जाए तो मतलब कि बिल्कुल ही रेडी है, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना ही इससे कम। तो जब आपका गुड़ बॉईल हो रहा है तो आप घड़ी घड़ी इसे पानी में डालकर थोड़ा थोड़ा चेक कीजिए, ताकि गुड़ की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ही परफेक्ट आ जाए। जब इस तरीके से गुड़ हो जाए तब आप ये सारी चीजें गुड़ में डाल दीजिए, यानी कि भुने हुए तिल, भुना हुआ खोबरा और भुना हुआ सिंगदाना। इन तीनों चीजों को डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को कर लेंगे मिक्स। कुछ लोग तिल गुड़ के लड्डुओं में सिर्फ तिल पसंद करते हैं, सिंगदाना और खोबरा नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन सारी चीजों के फ्लेवर्स पसंद है। मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इलायची, खोबरा और सिंगदाना सारी चीजों का इस्तेमाल किया है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और चाशनी का भी मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, बिल्कुल पानी नहीं डाला था, घी के अंदर उसे मैंने बॉईल किया था और 2-3 बार उसे पानी से भरी हुई प्लेट में उसका एक ड्रॉप डालकर चेक कर लिया था। जब वो अच्छे से जाते ही जम रहा है, यानी कि बिल्कुल नहीं टूट रहा है, तब हमारी चाशनी तैयार है और उस समय आपको ये सारी चीजें डाल देनी है। सारी चीजों को मिक्स कर लेने के बाद आप थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से निकालिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और आपको गर्म गर्म ही बनाने पड़ते हैं। अगर बैटर ठंडा हो गया तो इसके लड्डू बिल्कुल नहीं बनेंगे, वो जम जाएगा।
तो ये पिघला हुआ है, गर्म है, इसी स्टेज पे आप जो चाहें से शेप दे सकते हैं, गोल शेप, चपटा शेप, तो इसी स्टेज पे आपको ये लड्डू बनाने होते हैं। तो अगर आप डेलिकेट हैं, आपके हाथ चलते हैं, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सारे बैटर के लड्डू बनाकर तैयार कर लें। बहुत ज्यादा गर्म बैटर को हाथ भी ना लगाएं, थोड़ा बहुत गर्म हो, थोड़ा ठंडा हो, ऐसा हो कि मतलब वो अच्छी तरीके से लड्डू के शेप में भी आ पाए और आपके हाथ भी ना जलें। तो इसी तरीके से आप सारे लड्डू बनाकर तैयार कीजिए और एंजॉय कीजिए। लड्डू बिल्कुल भी ज्यादा सख्त नहीं होंगे, यानी कि आपको खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कुछ लोग लड्डू बनाते हैं वो इतने सख्त हो जाते हैं कि खाए नहीं जाते, और कुछ बहुत ही ज्यादा नरम, बहुत ज्यादा मीठे। तो जो भी मैंने आज टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई, अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो यही थी मेरी रेसिपी तिलगुड़ के लड्डू बनाने की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप फ्यूचर में मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।